इन छह फिल्मों का बजट सुन के आपका होश उड़ जाएगा। पहले नंबर पर महेश बाबू और एसएस राजामौली की SSMV 29 जिसका बजट 1000 करोड़ बताया जा रहा है। पता नहीं इसमें क्या खास होने वाला है। वैसे भी एसएस राजामौली की लास्ट फिल्म RRR का भी बजट 500 करोड़ था, जो कि ये फिल्म जो होने वाली SSMV 29 जो कि इंटरनेशनल लेवल की फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में हॉलीवुड का काफी स्टार देखने को मिलेगा। नंबर दो पे है अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास की आने वाली एक फिल्म है जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं, लेकिन इस फिल्म का बजट 1200 करोड़ बताया जा रहा है। पता नहीं इस फिल्म क्या खास होने वाला है जो कि 1200 करोड़ में बनाया जाएगा, क्योंकि त्रिविक्रम श्रीनिवास इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ अल्लाह वेंकटपुरम बना चुके हैं और इससे पहले उसकी लास्ट फिल्म थी गुंटर क्रम जो कि कुछ खास कमाल नहीं कर पाए बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन ये 1200 करोड़ कौन सा प्रोडक्शन हाउस पे खर्च करा पता नहीं चल रहा है। नंबर तीन पे अल्लू अर्जुन की पुष्पा का सीक्वल पुष्पा पार्ट 2 जिसका बजट 500 करोड़ है, जो कि सिनेमाघर में 6 दिसंबर को रिलीज होगा। ये फिल्म तो आराम से 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी, क्योंकि इसका पहला पार्ट ने हाइप इतना बना के रखा है। नंबर चार पे है प्रभास की कल्की पार्ट 2। कल्की पार्ट 1 का बजट था 600 करोड़ का और पार्ट 2 का बजट है 800 करोड़, जो कि इस फिल्म का पहला पार्ट ने 1200 करोड़ का कलेक्शन किया था। दूसरा पार्ट तो 2000 करोड़ का खाता जरूर खोल देगा इंडियन सिनेमा में, क्योंकि पहला पार्ट में इंटरनेशनल लेवल का VFX और हॉलीवुड जैसा फिल्म देखने को मिला था। और उसके बाद है प्रभास की संदीप रेंडिवांगा की स्प्रिट जिसका बजट 500 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है, जो कि फिक्स नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में संदीप रेंडिवांगा अलग लेवल पे क्रेजी फिल्म बनाने वाले हैं, जो कि पहली बार पुलिस ऑफिसर के रोल में प्रभास नजर आएंगे। और बॉक्स ऑफिस तो वैसे भी फाड़ने का काम करते प्रभास, संदीप रेंडिवांगा जो कि एनिमल से तहलका मचाए थे और प्रभास कल्कि से अपना रिकवर कर लिया अपना फ्लॉप फिल्म का सिलसिला को। तो देखना होता है प्रभास और संदीप रेंडिवांगा स्पीड से क्या तहलका मचाते हैं। उसके बाद प्रभास की प्रशांत नील के जस्ट सलार का सीक्वल सलार 2 आने वाला है, उसका भी बजट कुछ खाम नहीं है। उस फिल्म का बजट 550 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि प्रशांत नील उस फिल्म को पहला अगर पार्ट देखे होंगे तो उसका लास्ट सीक्वेंस था उसमें कितना विलन था, इतना जबरदस्त वेपन यूज किया गया था। तो ये फिल्म भी बवाल काटने वाली है। सलार 2 का कहानी पहला पार्ट में जो खत्म हुआ था वहीं से चालू होने वाला है, जो कि सलार 2 हमें देखने को मिलेगा जिस दिन भी उस दिन भी बॉक्स ऑफिस फटेगा, क्योंकि सलार 2 के लिए सब एक्साइटेड है, क्योंकि पहला कहानी जहां खत्म हुआ था काफी इंटरेस्टिंग जगह खत्म हुआ था। उसके बाद अजय देवगन की सिंगम मैगन जो कि बॉलीवुड की 2024 की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है, जो कि इस फिल्म का बजट 250 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म का स्टार कास्ट कितना तगड़ा, अजय देवगन, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, करीना कपूर, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ जैसे स्टार है, जो कि ये फिल्म बवाल काटने वाली। ट्रेलर काफी जबरदस्त लगा, सबको थिएटर खींचने के लिए मजबूर कर दिया ट्रेलर, जो कि आज तक इंडियन सिनेमा का सबसे महंगा लंबा ट्रेलर था, 5 मिनट के आसपास का ट्रेलर था। आपने ये ट्रेलर देखा था, आपको कैसा लगा कमेंट बताइएगा। उसके बाद जो सलमान खान की सिकंदर आने वाले, उसका भी बजट 300 करोड़ है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना विलन के तौर पे कटप्पा वाले सत्यराज नजर आने वाले हैं। साउथ के डायरेक्टर AR मुरलीदास डायरेक्ट करने वाले, ये तो सलमान खान की फिल्म को बहुत बड़े लेवल बनाने वाले, जो कि फिल्म बॉक्स ऑफिस फाड़ सकती है। उसके बाद है शाहरुख खान की द किंग, जहाँ शाहरुख खान की जवान फिल्म का बजट 350 करोड़ था, तो ये इस फिल्म का बजट तो अलग लेवल पर होने वाला है, जो कि शाहरुख खान इस फिल्म गैंगस्टर बेस रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म का बजट 500 करोड़ से तो कम नहीं होने वाला है। अब देखना होता है कितना बजट होता है। आप इन सभी फिल्मों में से किस फिल्म के लिए एक्साइटेड है कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।